नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सुपर 30 के आनंद कुमार, इस नाम से लगभग सब लोग ही वाकिफ होंगे, खास तौर पर उनसे प्रेरित पिक्चर बनने के बाद। ऋतिक रोशन हीरो थे, एक बार फिर ये आनंद कुमार खबरों में हैं। उन पर 50,000 का जुर्माना लगा है और ये जुर्माना गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाया है। दरअसल 26 नवंबर को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो हुए नहीं। हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ये याचिका आनंद कुमार से जुड़ी ही थी। कोर्ट ने अब उन्हें 28 नवंबर को पेश होने को कहा है। मामला क्या है? आईआईटी गुवाहाटी के चार छात्र अविनाश बारो, विकास दास, मोनजीत डोली और धनीराम ताव ने सितंबर 2018 में गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। आनंद कुमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया था कि 2018 में आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के दौरान आनंद कुमार ने दावा किया था कि उनके सुपर 30 संस्थान से 30 छात्रों में से 26 ने एंट्रेंस एग्जाम निकाला, लेकिन उन्होंने इन 26 छात्रों के नाम का खुलासा आज तक नहीं किया। याचिकाकर्ताओं के वकील अमित गोयल ने बताया कि आईआईटी गुवाहाटी के चार छात्रों ने आरोप लगाया था कि आनंद कुमार सुपर 30 के रिजल्ट में हेरफेर कर रहे हैं। आनंद कुमार ने दावा किया था कि उनके 30 छात्रों में से 26 ने आईआईटी का एंट्रेंस निकाला, लेकिन नामों का खुलासा नहीं किया। एक और आरोप है, सुपर 30 के नाम पर उन्होंने रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में छात्रों को प्रवेश दिया। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक छात्र से 33,000 रुपए लिए। छात्रों का कहना है कि उन्हें धोखा मिला। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जनहित याचिका दायर की। असम के एक और छात्र ने भी हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और कहा है कि उसे सुपर 30 में प्रवेश लेने के लिए बुलाया गया था। वो पटना पहुंच गया, उसके बाद उसे रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में प्रवेश लेने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। याचिकाकर्ताओं के वकील अमित गोयल ने कहा कि कोर्ट ने 28 नवंबर को आनंद को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। 5 छात्रों और उनके अभिभावकों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया था। 25 नवंबर को आनंद ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि 26 नवंबर को कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो देश से बाहर हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें कोर्ट में पेश होना ही होगा। लेकिन 26 नवंबर को सुनवाई के दौरान आनंद नहीं पहुंचे। अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। कोर्ट ने आनंद कुमार को पेश होने का निर्देश दिया है। कुछ छात्र और अभिभावक उनके पटना से भी आए थे। अदालत ने आनंद कुमार को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक को 10,000 रुपये दें। अब 28 को आनंद आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो क्या होता है और नहीं आते हैं तो कोर्ट क्या करता है, ये सब देखने वाला होगा। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।